नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बीजेपी की प्रचंड बहुमत से योगी सरकार बनी और सरकार बनते ही योगी राज चालू हो गया। सरकार के तरह तरह के फरमान जारी किए, लेकिन दिव्यांग आज भी अपनी किस्मत को रो रहे हैं। दिव्यांग आज भी सरकारी योजना से वंचित है। ऐसा ही एक मामला बांदा जनपद के उनाहुर गाँव की जन्मजात दिव्यांग महिला का है, जहाँ 100% दिव्यांग महिला राशन कार्ड व सरकारी योजनाओं के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची व न्याय की गुहार लगाई। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लापरवाह अधिकारी बंदरबांट कर रहे हैं। 100% दिव्यांग महिला ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। बांदा जनपद के पुनाहुर गांव की एक दिव्यांग महिला अपने बच्चों को पीठ पे बैठा कर कलेक्ट्रेट पहुंची व जिलाधिकारी से मिलना इच्छा जताई, पर जिलाधिकारी की नामौजूदगी पर काफी इंतजार किया। जिलाधिकारी के आने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। पेश है बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट। राशन कार्ड के लिए सरकार द्वारा कुछ कोई सुविधा नहीं है, कैसे गुजर बसर होता है? प्रधान से किसी से कभी कुछ कहा है क्या? बोल रहे हैं प्रधान से दो तीन बार कहा है, बता दिया था कि दिलाऊंगा दिलाऊंगा, अगर सरकार भी तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं है दवाई की तब दिलाऊंगा। आपको वहाँ शौचालय मिला था तो क्या हुआ? तो नहीं था आपको लिया गया था, समझ में आया है? और डीएम साहब से मिली, क्या बोले? हमारी साहब है, उनसे बोल दिया है, कह रहे ये शिकायत होगी पर क्वालिटी खराब है, कल सुबह वो जाएंगे और उसकी चेक करके रिपोर्ट देंगे, अगर कुछ कमी मिलेगी तो उसे दुरुस्त कराया जाएगा और जो भी हमारे साथ कार्रवाई होगी वो करेंगे। धन्यवाद।